होली को कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन मस्ती अभी से शुरू हो गई है। देखिए कैसे विदेशी नागरिक होली के फिल्मी गानों पर थिरक रहे हैं। पीले फूल और अबीर गुलाल के रंग में सब सराबोर हैं। उनके चेहरे पर भारतीय पर्व की ये खुशी साफ झलक रही है। ये मुस्कान बता रही है कि वो होली को कितना महत्व देते हैं। होली से पहले जश्न की ये तस्वीरें कृष्ण नगरी मथुरा की नहीं बल्कि धर्म नगरी ऋषिकेश की हैं। जी हाँ, वैसे तो 25 मार्च को होली का पर्व पूरे देश में मनाया जाएगा, मगर उससे पहले ही ऋषिकेश का नजारा होलीमय हो चुका है। दरअसल ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव फेस्टिवल के समापन अवसर पर विश्व के 75 राष्ट्रों से आए योग साधकों ने साधु संतों के साथ जमकर रंग गुलाल और फूलों की होली खेली। होली के कार्यक्रम में विदेशियों ने होली के गानों पर जमकर ठुमके लगाए और माहौल को रंगीन कर दिया। Lena, I come from France and we just had a wonderful Holi celebration here at Parmat. It was magical, such a gift. कार्यक्रम में पहुंचे हरिद्वार पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी होली के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति और परंपरा से लोगों को जोड़ने का ये अच्छा प्रयास है। प्रारंभ हो गया है होली के पर्व, पावन पर्व, उत्सव का, उमंग का, उल्लास का यह त्योहार है। इन उमंग, उत्साह और उल्लास के लिए पूरी दुनिया भारत की ओर निहारती है, और हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि शताधिक देशों के लोगों ने जो वैदिक सनातन हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार जो परंपरा है, जो होली का पावन उत्सव है, उसके आनंद को इन्होंने लिया भी, देखा भी, महसूस भी किया। इस मौके पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि ने कहा कि परमार्थ निकेतन में फूलों की होली के माध्यम से हमने संदेश दिया है कि होली के पर्व को इको फ्रेंडली तरीके से मनाया जाए। मुझे लगता है 75 देश और उनके साथ जैविक होली, ऑर्गेनिक होली, फूलों से होली, समय आ गया है हमें ग्रीन होली, ग्रीन फेस्टिवल, ग्रीन बर्थडेज और ग्रीन एनिवर्सरीज हमें मनाने का ये संदेश दिया। हमने सब ने हाथ खड़े किए, सब ने कहा कि हम मिलकर अपने पूरे विश्व को अब इको फ्रेंडली बनाएंगे। फिलहाल इस वक्त मथुरा से लेकर बरसाने तक आपको ब्रिज में होली रे रसिया गाने की गूंज सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ होली से करीब महीने भर पहले ही पूरी मथुरा नगरी रंगों से सराबोर होने लगती है। लेकिन धर्म नगरी ऋषिकेश में भी होली की रौनक अभी से दिखाई देने लगी है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।